बिग बॉस OTT2 के विनर और विवादित यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गौतम बुद्ध नगर लुक्सर जेल में भेज दिया है। जेल में पुलिस की हिरासत में एंट्री करते भी एल्विश की एक वीडियो सामने आई है। ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले एल्विश यादव ने 17 मार्च की रात सलाखों के पीछे गुजारी है। अपने क्रिंज कंटेंट से यूट्यूब पर फेमस होने के बाद एल्विश यादव की जिंदगी रातों रात बदल गई। हालांकि अब जेल से जो खबर सामने आ रही है वह आपको हैरान कर देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एल्विश यादव को लुक्सर जेल में जमीन पर सोना पड़ा। जेल प्रशासन के मुताबिक उसे नियमानुसार 3 कंबल दिए गए। उसे क्वारंटाइन बैरक में रखा गया है। इसके बाद उसकी सुरक्षा और उसके अपराध को ध्यान में रखते हुए नियमित बैरक में भेज दिया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर के लुक्सर जेल अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह ने बताया कि एल्विश यादव को रात के समय जेल के मेन्यू के अनुसार पक्का खाना दिया गया था। खाने में आलू बैंगन की सब्जी पूड़ी और हलवा दिया गया। एल्विश ने उसमें से थोड़ा खाया भी था। रात भर एल्विश यादव की रात सोते जागते कटी। फिर सुबह सबसे पहले उसे चाय और टोस्ट दिए गए। नियमों के अनुसार एक दिन बाद उसे अब सुरक्षा बैरक में रख दिया जाएगा। जेल प्रशासन के मुताबिक एल्विश यादव जेल में आते ही काफी दुखी दिखा। नीचे जमीन पर सोने की वजह से उसे रात में अच्छे से नींद नहीं आ पाई। वो काफी बेचैन भी दिखा। ये देखकर जेल प्रशासन ने उसकी तबीयत बिगड़ने के बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं कहा। एल्विश के जेल में पहुंचते ही वो बाकी बंदियों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। वहीं एल्विश यादव के जेल जाते ही कई लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि जल्द ही उसकी जमानत का आवेदन कोर्ट में भेजा जाए। नोएडा पुलिस ने भी अपनी पूरी तैयारी करके एल्विश यादव को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। अब आगे हमें जो भी एल्विश यादव से जुड़ी पल पल अपडेट मिलती रहेगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सच में नोएडा पुलिस ने एल्विश का सिस्टम हिला दिया है? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और हमारे चैनल हिंदुस्तान पोस्ट को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।